हेलो गाइस, वेलकम बैक। इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करेंगे पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंस पार्ट टू के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट वन पढ़ा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको पार्ट टू आसानी से समझ में आ जाए। तो पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं विपरीतता सूचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें आपको अपोजिशन मिलेगा, कंट्रास्ट आपको देखने को मिल जाता है। कंट्रास्ट, ठीक है, कोई शब्द यानी स्पीकर है वो कुछ बोलता है तो दूसरे भाग में उसके अपोजिट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस तरह के वाक्य में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या मिलेगा आपको, दो पार्ट मिलेंगे। पार्ट वन में जो हमारा स्पीकर बोलता है उसके अपोजिट पार्ट टू में बोला जाता है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे इवन इफ या नो मैटर। इवन इफ या नो मैटर को हिंदी में बोलते हैं भले ही या क्यों ने या चाहे, भले ही क्यों ने या चाहे। जैसे आप भले ही मुझे गाली दो, मैं तुम्हें गाली नहीं दूंगा। आप भले ही मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। आप भले ही मुझसे बात ना करो, मैं आपसे बात करूंगा। इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इवन इफ या नो मैटर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भले ही या क्यों ने या चाहे, एक चीज लगाएंगे, उसके बाद सब ऑर्डिनेट क्लोज आता है जो एडवर्ब क्लोज होता है, उसके बाद प्लस प्रिंसिपल क्लोज आपकी सेंटेंस में आती है। सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं। पहला सेंटेंस है तुम मुझे भले ही या क्यों ने या चाहे, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तो भी याद रखूंगा। यानी तुम मुझे भले ही भूल जाओ, मैं तो भी, यानी मैं तुमको तब भी याद रखूंगा। तो तुम मुझे भले ही भूल जाओ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इवन इफ या नो मैटर, एक लगाएंगे यहाँ पे हम, या तो इवन इफ लगाएंगे या फिर नो मैटर, एक यूज करेंगे। दोनों का मतलब सेम होता है, भले या क्यों ना चाहे, ठीक है। तो इवन इफ यू फॉरगेट मी, इवन इफ यू फॉरगेट मी, भले ही तुम मुझे भूल जाओ, आई विल स्टिल रिमेम्बर यू, मैं तो भी याद रखूंगा, यानी मैं तुम्हें तब भी याद रखूंगा, तुम भूल जाओ, मैं तुम्हें तब भी याद रखूंगा। अगला सेंटेंस है वह मुझे भले ही या क्यों ने गाली दे, मैं तो उसे प्यार करता ही रहूंगा। वह मुझे भले ही या चाहे वो मुझे गाली दे, यानी चाहे मुझे वो गाली दे, मैं उसे प्यार करता रहूंगा। इवन इफ या नो मैटर शी अब्यूजेस मी, अब्यूज मतलब गाली देना, इवन इफ शी अब्यूजेस मी आई विल कंटिन्यू टू लव हर, मैं उसे प्यार करता रहूंगा। यानी चाहे वो मुझे गाली दे, भले ही वो मुझे गाली दे, मैं उसे प्यार करता रहूंगा। इवन इफ शी अब्यूजेस मी आई विल कंटिन्यू टू लव हर, मैं उसे प्यार करता रहूंगा। मैं भले ही टूट जाऊं, अगला सेंटेंस है मैं भले ही टूट जाऊं, यानी मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए, मैं झुकूंगा नहीं। इवन इफ आई ब्रेक आई कांट बेंट या आई कांट नील डाउन, झुक जाना, घुटने टेक देना, ठीक है। भले ही मैं टूट जाऊं, इवन इफ आई ब्रेक आई कांट नील डाउन, मैं घुटने नहीं टेकूंगा, मैं झुकूंगा नहीं। अगला सेंटेंस है मैं भले ही मिट जाऊं, बर्बाद हो जाऊं, मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ूंगा या छोड़ सकता। इवन इफ आई एम रूइंड, मैं भले ही मिट जाऊं, आई कांट गिव अप, गिव अप मतलब छोड़ देना, त्याग देना, माय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। इवन इफ आई एम रूइंड आई कांट गिव अप माय प्रिंसिपल, मैं भले ही मिट जाऊं मैं अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। तो इवन इफ आई एम रूइंड आई कांट गिव अप माय प्रिंसिपल। अगला सेंटेंस है तुम भले ही किसी और से शादी कर लो तुम मुझको नहीं भूल पाओगी। चाहे तुम किसी और से शादी कर लो तुम मुझे ना भूल पाओगी। इवन इफ या नो मैटर यू टाई द नॉट, टाई द नॉट मतलब होता है गेट मैरिड, यानी शादी कर लेना, बहुत ज्यादा मिलता है न्यूज़पेपर वगैरह में आप जब पढ़ेंगे तो। इवन इफ यू टाई द नॉट विद अनदर बॉय, यानी तुम भले ही किसी और से शादी कर लो, यू वॉन्ट बी एबल टू फॉरगेट मी, यू विल नॉट बी एबल टू
फॉरगेट मी, तुम मुझे नहीं भूल पाओगी। तुम भले ही किसी और से शादी कर लो, लेकिन तुम मुझको नहीं भूल पाओगी। इवन इफ यू टाई द नॉट विद अनदर बॉय, यू वॉन्ट बी एबल टू फॉरगेट मी। तुम भले ही मुझे भूल जाओ, इवन इफ यू फॉरगेट मी, आई कांट फॉरगेट यू, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तुम भले ही इंग्लिश मत सीखो, तुम भले ही इंग्लिश मत सीखो, इवन इफ यू डोंट लर्न इंग्लिश, लेकिन क्लासेस देखो, बट यू वॉच द क्लासेस रेगुलरली, आपको इंग्लिश डेफिनेटली आ जाएगी, यू विल लर्न इंग्लिश डेफिनेटली। सो गाइज, यही आज की हमारी क्लास में था, पोलैरिटी इंडिकेटर सेंटेंस। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश काउंसलिंग।